नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जैसे जैसे 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है, राम मंदिर का मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी राम मंदिर पर अपना रुख कड़ा कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पत्रकार से वार्ता में मोदी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ने प्रधानमंत्री से पूछा, क्या 15 लाख की तरह राम मंदिर भी जुमला है क्या? साथ ही उद्धव ने कहा, राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है, चुनाव आते ही राम मंदिर याद आ जाती है बीजेपी को। आपको बता दें कि शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को अयोध्या जा रहे हैं। 24 नवंबर को अयोध्या पहुंचने के बाद 25 नवंबर को रामलला के दर्शन करेंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं की पहली प्राथमिकता है। उद्धव ने एक नारा भी दिया है। उद्धव ठाकरे का नारा है कि हर हिंदू की यही पुकार, पहले मंदिर फिर सरकार। वहीं अब राम मंदिर का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। राम मंदिर को लेकर शिवसेना ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने भी मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ऐसे में राम मंदिर को लेकर बीजेपी सरकार की मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी सरकार का घेराव किया जा रहा है, अगर राम मंदिर निर्माण में सरकार विफल रही तो आने वाले 2019 के चुनाव में बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।